संवाददाता तुषला यादव रुख करेंगे खबरों का। वाराणसी में सुभाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम से कल ही मुलाकात पर ओपी राजभर ने बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरी सीएम योगी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, मेरी सीएम से किसी तरह की बात नहीं हुई, जबकि अरुण राजभर ने सीएम से मुलाकात की पुष्टि की थी। आज राजभर ने सीएम से मुलाकात पर सफाई दे दी। विपक्ष एकजुटता पर भी बोले ओम प्रकाश राजभर, विपक्ष एक साथ हो जाए मैं साथ आ जाऊंगा। अखिलेश, माया, सोनिया गांधी एक मंच पर आए, जिस दिन ये एक हो जाएंगे मैं इनके साथ आ जाऊंगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक होना चाहिए, बीजेपी से आए दिन नजदीकियां बढ़ाते हैं ओम प्रकाश राजभर। आखिर क्या चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर, यह बड़ा सवाल है। विपक्ष के लोग भी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि हम लोग लामबंद होकर के मुकाबला करें। अब ये लामबंद हो जाएं तब फिर उसके बाद हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, दो घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएं। मैं कल यहाँ सर्किट हाउस आया तो देखा कि सिक्योरिटी बहुत यहाँ लगी थी, तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो पता लगा मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है, ना हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है ना कोई बात है। नहीं देखिए, जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे या दस मिनट की बात का कहा जाए। और एक तरफ जो अरुण राजभर हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने इस बात से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी किसी भी प्रकार की कोई मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हुई। और सुभाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। थैंक यू। एक तरफ अरुण जी कह रहे हैं, उन्होंने पुष्टि करी है कि आपकी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से, और आप एक तरफ इनकार कर रहे हैं। ऐसा है ना कि हमारी बात अरुण से नहीं हुई थी जी, और छह महीने के बाद हम सर्किट हाउस आए 8:30 बजे। संजोग से मुख्यमंत्री भी 9:15 बजे आए, तो उसी आधार से लोग चर्चा पर चर्चा किए होंगे कि दोनों नेता एक साथ हैं तो हो सकता है लोग मिले, रात बिरात मिले हों, इसी पे खबर रही होगी, लेकिन हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई। जो गठबंधन 2022 में देखने को मिला था मजबूती के साथ, समाजवादी और ओपी राजभर एक साथ थे, क्या गठबंधन कभी दोबारा देखने को मिल सकता है क्या? राजनीति में सब संभव है, ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई दुश्मन है। राजनीति में अब न सिद्धांत है न कुछ है, सिर्फ अवसरवादिता है। लेकिन जिसको भी जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ अवसर के तलाश में सब लोग घूम रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक बार आपको डिप्टी सीएम के साथ देखा गया था, बृजेश पाठक जी के साथ, और अब ये भी बयानबाजियां हो रही है, तो विपक्ष लगातार तो आप पर यही इल्जाम लगा रहा है कि आप अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। भाई हम तो कह रहे हैं कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी और जयंत जी एक मंच पे आ जाएं और 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हम न जाए तब वो लोग कहने के हकदार हैं, पहले तो वो मोर्चा तो बनावे, पहले एक दिन तारीख को तय करें कि फला तारीख को हम लोग 12 बजे 2 बजे 4 बजे जो समय निर्धारित करें, और मायावती जी को, अखिलेश जी को, नीतीश जी को, सोनिया जी को, जयंत जी को सबको एक मंच पे खड़ा करें, 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम पहुंच जाएंगे वहां। ओम प्रकाश जी, 2024 की आपकी क्या कुछ रणनीति है? देखिए हम जनता के बीच में है, आधी आबादी महिलाओं की है, महिला सम्मेलन के माध्यम से हम महिलाओं को आधी नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित कराने के लिए, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराने के लिए, शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटें आरक्षित कराने के लिए हम महिला सम्मेलन करते हैं। हम आप उसके पहले आपने देखा सावधान रथ यात्रा के माध्यम से एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कराने को लेकर के, घरेलू बिजली का बिल माफी, जनगणना को लेकर, शराबपूर्ण शराबबंदी को लेकर के, गरीबों का इलाज फ्री करने को लेकर के, हम जनता के बीच में इन सब मुद्दों को लेकर बराबर लड़ते झगड़ते रहते हैं, उन्हीं के बीच में संगठन का काम करना,
उन्हीं के बीच में रहना, हम अनवरत ये काम करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश जी, एक तरफ आप विपक्ष से मुलाकात भी कर रहे हैं और दूसरी माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के भी समर्थन में खड़े हैं, ओम प्रकाश राजभर का रुख समझ में नहीं आ रहा है जनता को? नहीं, जब अखिलेश यादव जी मोदी जी से मिलते हैं तब कोई चर्चा नहीं होती है, मायावती जी सोनिया से मिलती हैं तब कोई चर्चा नहीं, सारे नेता एक जगह बैठ करके चाय पीते हैं टेबल पर कोई चर्चा नहीं, ओम प्रकाश राजभर अगर किसी से मिलने तो सबको पीड़ा होने लगती है, पता नहीं क्या वजह है। तो क्या आप विपक्ष के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे? आप जो रखना चाहेगा उसके साथ जाएंगे। तो आज ओम प्रकाश राजभर जी भारत समाचार के माध्यम से साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि जो भी पार्टी उनके साथ गठबंधन करना चाहेगा उसके साथ ओम प्रकाश राजभर जी जाएंगे क्या? हाँ, हमारा दरवाजा खुला है, जो भी आएगा बात करेगा, मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे वो हम तैयार हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि बसपा सपा कांग्रेस और लोकदल ये सब लोग जदयू मिलकर के एक साथ एक मंच पे आवे और उसमें हमको भी शामिल करें, हमारी पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी। थैंक यू। और हमारे सहयोगी समाप्त नकवी हमारे साथ लखनऊ से।